कोंकण रेलवे इज़ कम्प्लीटिंग 25 ईयर्स ऑफ इट्स वेरी फ्रूटफुल जर्नी विच हैज स्टार्टेड विद अ ड्रीम ऑफ मेनी ऑर्डिनरी कोंकणाइट टू इंश्योर दैट दे विल बी एबल टू कम्यूट ऑल्सो बाय रेलवेज दोज लिविंग अराउंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया कनेक्टिंग मुंबई टू लास्ट पोर्ट इन केरला वे आर ऑलवेज डिप्राइव्ड ऑफ द कोस्टल रेलवे सर्विसेस दिस वॉज द ड्रीम ऑफ ऑर्डिनरी पीपल हु गॉट फुलफिल 25 ईयर्स अगो आई एम वेरी हैप्पी दैट एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई वॉज ऑलवेज चैम्पियनिंग द कॉज ऑफ कोंकण रेलवे पीपल्स ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द रेलवेज द पीपल्स सजेशंस टू इम्प्लीमेंट बेटर सर्विसेज फॉर द कोंकण रेलवे एंड लकीली आई बिकेम द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज पहले दिन से ही मैंने कोंकण रेलवे के जितने अलग अलग लोगों की समस्याएं थी उसका निदान करने के लिए दूर करने के लिए प्रयास की शुरुआत की आज मुझे कहने के लिए खुशी है कि बहुत सारे समस्याओं के ऊपर हमने निदान निकाला और सिर्फ 7-8 महीने में हमने बहुत सारी नई नई पहल रेलवे में शुरू की है कोंकण रेलवे में कहीं पे भी एस्केलेटर नहीं था हमने वहाँ लगाने की शुरुआत की ताकि जो बूढ़े लोग हैं बुजुर्ग हैं उनको कुछ कठिनाइयाँ ना आए हमने ये भी शुरुआत की कि कोंकण से बने हुए जो एथनिक प्रोडक्ट्स है ये कोकम से बने हो काशू से बने हो या वहाँ के लोगों की जो खासियत है उससे जुड़े हुए हो ऐसे सभी चीज़ों को हमने कोंकण रेलवे में भी लाने की कोशिश की बहुत सारे बचत गट बने हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको भी हमने कोंकण रेलवे के द्वारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की मैंने सुझाव दिया था कि जहां कोंकण रेलवे के बाहर आने के बाद जो रिक्शा वाले हैं टैक्सी वाले हैं युवा लोग हैं बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं है लेकिन वही जो वहाँ पर पर्यटक पहुँचता है उसको अलग अलग जगह दिखाने के लिए ले जाते हैं क्यों ना हम उनको ही टूरिस्ट गाइड बनाएं हमने शुरुआत की और मुझे आज कहने के लिए खुशी है कि बहुत सारे बड़े पैमाने पे इसका भी ट्रेनिंग हो गया है राज्य सरकारों के साथ साथ हमने काम किया था हमने रेलवे की कोंकण रेलवे की डबलिंग कोंकण रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए ये तो मांग भी नहीं थी लेकिन लोगों की एक दिक्कत थी लोगों को पता भी नहीं था ऐसा हो सकता है मैंने पहले दिन से ही उसकी शुरुआत की और हम इसके पीछे भी लगे हुए हैं कि किस तरह से कोंकण रेलवे का डबलिंग पूरा हो कोंकण रेलवे की विद्युतीकरण की प्रक्रिया को भी ज़्यादा से ज़्यादा तेज गति से हम कार्यान्वित करें हमारी ये भी कोशिश है कि कोंकण रेलवे सिर्फ देश का ही नहीं लेकिन पूरे विश्व का एक ऐसा सरताज बने ताकि लोगों को इसका एहसास हो कि कोंकण रेलवे भी इसी तरह की सेवा प्रदान कर सकती है जो हमें विश्व में अलग अलग देशों में दिखने को मिलती है हमने नए नए जहाँ पे स्टेशन नहीं थे ऐसे स्टेशन जैसे राजापुर में एक स्टेशन की बहुत लोगों की मांग थी सौंदड़ में लांजा में लोग कहते हैं कि हमें एक स्टेशन मिलना चाहिए इसके लिए वेरौली में हमने उसको भी करने की कार्यान्वित करने की प्रक्रिया को शुरुआत की है मैंने देखा था कि बहुत सारे लोगों की मांग थी पहले से जो कोंकण रेलवे की जो कल्पना थी वो थी मुंबई से सावंतवाड़ी तक लेकिन सावंतवाड़ी में टर्मिनस ही नहीं बना मुझे भी एज अ सांसद की हैसियत से जब मैंने इस बात को उठाया था तो मुझे भी बताया गया था कि हो ही नहीं सकता तो हमने इसको कार्यान्वित करने की पूरी जोर लगा के मुझे आज खुशी है कि बहुत ही जल्द एक सावंतवाड़ी टर्मिनस भी एक असलियत होगी बहुत सारे स्टेशनों का जैसे कुड़ाल हो या रत्नागिरी हो या कणकोली हो या कर्नाटका और केरला में रहे कर्नाटका के स्टेशन हो हमने सब जगह पर गोवा के स्टेशन हो हमने हर जगह पर उसको सुधार करने की शुरुआत की प्रक्रिया की है मडगांव में एक फूड कोर्ट बन रहा है वाईफाई की सेवा हमने शुरुआत कर दी ट्रेन के ऊपर ट्रेन को एक वॉशिंग करने के लिए ट्रेन को एक अच्छी तरह से गोवा में ही ऐसा एक नया एक प्लांट को भी शुरुआत की गई है मुझे पूरा विश्वास है कि कोंकण रेलवे सिर्फ रेल नहीं चलाएगी लेकिन समाज को वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी कार्यान्वित करेगी और ये करने के लिए हमने पोर्ट कनेक्टिविटी की भी एक शुरुआत की है हाल ही में जयगढ़ में हमने नई एक पहल की जिसके कारण आज एक प्रक्रिया बन रही है उससे पहले ही हमने जयगढ़ के साथ साथ दिघी में भी
हमने पोर्ट कनेक्टिविटी का एक प्लान बनाया था। कोंकण को जो किनारा बना हुआ है वो पूरी कोस्ट लाइन को यदि रेल के साथ जोड़ा जाए तो बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ रहने वाले लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और वहाँ की पूरी समाज और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आएगा। ये करने का काम, इसमें योगदान देने का काम कोंकण रेलवे को करना चाहिए और वो करने के लिए भी मैंने शुरू से ही शुरुआत की। मुझे कहने के लिए खुशी है कि मंत्री बनने के बाद पूरी रेल व्यवस्था को तो मैं देख ही रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैंने कोंकण रेलवे के तरफ खास ध्यान दिया क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे सदियों से, बहुत सारे दिनों से, बहुत सारे सालों से यहाँ पर पूरी तरह से लोगों की ध्यान जितना आवश्यक था नहीं दिया गया था। इसके लिए पूरे महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, गोवा हो, केरला हो, ऐसे चार राज्यों की कोंकण रेलवे जहाँ गुजरती है, कोंकण रेलवे तो वैसे तो कर्नाटका तक जाती है लेकिन केरला तक भी उसको आगे ले जाने का काम भारतीय रेल करती है, वे सभी राज्यों की समस्याओं को दूर करने के लिए हमने बहुत बुरे काम करने की शुरुआत की है। बहुत सारे लोकल ट्रेन की शुरुआत की गई जो रत्नागिरी से निकल के सावंतवाड़ी जाती हो या वहाँ से निकल के गोवा में आगे जाके लोगों को पहुँचाती हो। मुझे लगता है वहाँ के सन्मान्य मुख्यमंत्री गोवा के, उन्होंने मुझे बताया था कि क्यों ना हम इस तरह की ट्रेन शुरू करेंगे ताकि बहुत सारे हादसे जो रास्ते पे चलने के समय लोगों के होते हैं उनको बचाया जाए। मैंने तौरन उस पर कार्यान्वित किया और उसको भी हमने शुरू कर दिया। मैं इस अवसर पर जब कोंकण रेलवे 25 साल पूरा करेगी, कोंकण रेलवे में काम करने वाले सभी कर्मचारीगण, अधिकारीगण, कोंकण रेलवे से जुड़े हुए जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को मैं इस मौके पर बधाई देना चाहता हूं, उनको आश्वासित करना चाहता हूं कि कोंकण रेलवे के ऊपर हमारा पूरा ध्यान है। कोंकण रेलवे जब तक वहां के रहने वाले लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाती तब तक मैं समझता हूं कोंकण रेलवे का कार्य पूरा नहीं हुआ। और ऐसी ये प्रक्रिया है कि जिसमें निरंतर सुधार लाने की ज़रूरत होती है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने काम कर दिया और कल से हमारा काम ख़त्म हो गया। ये प्रक्रिया ही ऐसी है कि जिसमें पूरे विश्व में होने वाले अलग अलग जो चेंजेस है, बदलाव हो रहे हैं, उसको भी हमने इसमें सम्मिलित करना चाहिए और ये काम हम निरंतर करते रहेंगे। बहुत सारी जगह पर जैसे मालवण है, वहाँ पे वेंगुर्ला है, यहाँ पर देवगढ़ है, उसी तरह से गोवा में भी है, कर्नाटका में भी है, जहाँ रेल थोड़ी 30-40 दूर से जाती है और लेकिन आबादी वहाँ पे है, ऐसे भी हम वहाँ पे भी एक PRS सिस्टम ताकि वहाँ के रहने वाले लोग वहीं से ही टिकट का बुकिंग कर पाएंगे, ये भी हम सेवा लोगों को जल्द देने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं तो लगातार ऐसी बातें कहते रहूँगा कि जितनी बातें हमने की है लेकिन एक मेरा लक्ष्य था, वो लक्ष्य है और उसमें हम पूरी तरह से लगा के रहेंगे कि किस तरह से कोंकण रेलवे में सफ़र करने वाले लोगों को बहुत सी अच्छी सेवा, सुरक्षित सेवा और साथ साथ में आने वाले दिनों में बहुत ही आधुनिकीकरण करके विश्व में मिलने वाली सेवा से तुलना में ही नहीं तो उससे भी बेहतर करने की कोशिश हमारी जारी रहेगी। और जब तक हम ये कोशिश में लगे रहेंगे, और मेरी तो ये पूरा विश्वास है, मैं तो उसके पीछे ही पड़ा हूँ, तब तक मुझे पूरा विश्वास है कोंकण रेलवे निरंतर आगे चलती रहेगी। 25 साल एक शुरुआत है, 25 साल एक टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन जब 25 साल के कार्यकाल में जो काम किया उससे ज़्यादा काल हम अगले 25 साल में करना चाहिए। जब 50 साल पूरा होगा तो लोगों को एक एहसास होना चाहिए कि कोंकण रेलवे सिर्फ देश की नहीं पूरे विश्व की एक जानी मानी संस्था बन गई है। करने के लिए आप सबको लग के काम करना होगा और करने के लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
कोंकण रेलवे भारतीय रेल के लिए अनूठी मिसाल मानी जाती है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र होने के कारण रेल निर्माण कर्मचारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बाढ़, भूस्खलन और सुरंगों के गिर जाने के कारण निर्माण कार्य कई बार प्रभावित हुआ था, लेकिन श्री ई श्रीधरन जी के कुशल नेतृत्व और काबिल सिविल इंजीनियरों ने 20वीं सदी के सबसे बड़े रेलवे उपक्रम परियोजना को समय पर पूरा किया। ये परियोजना श्री मधु दंडवते, अर्जुन बलवंत बालावरकर, जॉर्ज फर्नांडिस और बैरिस्टर नाथ पै की दूरदर्शिता और एक अच्छी सोच का परिणाम है। सन 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोंकण रेलवे को राष्ट्र को समर्पित किया। कोंकण रेलवे भारत के सबसे घनी आबादी वाले शहर मुंबई और मंगलोर को जोड़ने वाली एक कड़ी है। 760 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से गोवा होते हुए कर्नाटक के ठोकुर स्टेशन तक जाती है। कोंकण रेलवे ने मुंबई से मंगलोर तक की लगभग 1127 किलोमीटर की दूरी कम की तथा 26 घंटों की यात्रा का समय बचाया। ये परियोजना भारत के सबसे मुश्किल दुर्गम तटीय इलाकों, 2000 से अधिक पुलों, 91 सुरंगों और तंग घाटियों से गुजरती है। रत्नागिरी में स्थित श्रम शक्ति स्मारक निर्माण कार्य के दौरान हुए हादसों में लोगों के बलिदान की याद दिलाता है। कोंकण रेलवे के मुख्यालय में स्थित नियंत्रण कक्ष अत्याधुनिक तकनीक से रेलों के यातायात को कंप्यूटरीकृत माध्यम से नियंत्रित करता है तथा ट्रेनों की स्थिति एवं परिचालन को सुचारू रूप से संचालित करता है। भारत अपने विविध व्यंजनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और इन्हीं व्यंजनों को कोंकण रेलवे ने अपनी खान पान की सेवा में विशेष रूप से सम्मिलित किया है। कोंकण कन्या तथा मांडवी एक्सप्रेस में डाइट और डायबिटिक भोजन सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। रेलवे झाल्यामुळे वेळेवर घरी पोहोचण्याचा आनंद खूप मिळतो आणि व्यवस्थित खाणं पिणं रेल्वेत मिळतं, स्वच्छ असतं आणि सगळ्या दृष्टीने सेफ। कोकण रेल्वेचा प्रवास अगदी आरामदायक आहे आणि कोकण रेल्वे सुरू झाल्यावर आम्ही एसटी म्हणून जात नाही, एसटीने त्रास होतो बसायला आणि 14-15 तास लागतात, त्यामुळे जास्त करून कोकणातले लोक सगळे कोकण रेल्वेनेच येतात। Hello, my name is Tawny. I'm from New Zealand.
I've chosen to take the railway because it's far more comfortable as far as trains go. The train itself is very nice to ride in. It gives you a chance to see the scenery that you experience in India while taking a plane. You'll miss a lot of that opportunity to see beautiful scenery along the way. Also, the food on here is very delicious. You get delivered hot meals throughout your whole stay and very affordable at around 35 to 60 rupees per meal. So far, the experience has been amazing. कोंकण रेलवे ने ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट भी विकसित किया है, जो बिना किसी शारीरिक श्रम के बहुत ही कम समय में ट्रेनों की साफ सफाई का ध्यान रखता है। मडगांव रेलवे स्टेशन कोंकण रेलवे के लिए सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्टेशन है। इसका डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने यहाँ के जलवायु को ध्यान में रखते हुए किया था। कोंकण रेल से प्रतिवर्ष लगभग 3 करोड़ से अधिक यात्रियों का प्रवास होता है और रोजाना तकरीबन 60 ट्रेनों का आवागमन होता है। कोंकण रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई नई सेवाएं शुरू की। श्रवण सेवा में निगम ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त सेवक की व्यवस्था की है। सारथी सेवा में विकलांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त व्हीलचेयर और कुली की व्यवस्था की है। गोवा सैलानियों की सेवा में तत्पर एक उत्कृष्ट स्टेशन करमाली, जिसे केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटक रेलवे स्टेशन से सम्मानित किया। करबुड़े टनल 6.5 किलोमीटर की सबसे लंबी सुरंग इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती। सुरंग के अंदर प्राकृतिक जहरीली गैसों को बाहर निकालना था। इसके लिए विशाल वेंटिलेशन सेंट्रीफ्यूगल जेट सिस्टम लगाया गया, जो जहरीली गैसों को बाहर निकालकर स्वच्छ हवा प्रदान करता है। कोंकण रेलवे ने इतना बड़ा टनल बना है, ये इंडिया में बहुत बड़ा टनल है, वेंटिलेटेड टनल है। ऐसा हमारा इसमें 7 नंबर ऑफ वेंटिलेटेड टनल है, उसमें 6 नंबर है जेट फैन वेंटिलेशन सिस्टम और 1 नंबर सेंट्रिफ्यूगल फैन सिस्टम। जेट फैन सिस्टम में हम लोग क्राउंस पे फैन फिक्स करके उसको चलाते हैं, हवा निकलते हैं। इसमें तो सेंट्रिफ्यूगल सिस्टम है। ये बहुत प्राउड का विषय है हम कोंकण रेलवे के लिए। कहाँ जाना है? सूरतकल। 15,265। अच्छा, 2 घंटा में रोरों निकलने वाला है। दे
देखिए हम लोग रोड में जाने से और रोरो में जाने